हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने वैद्युत विभव के पूरे लेसन की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। उसका तीन वीडियो पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। फिर आज हम उस लेसन के आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। इसके न्यूमेरिकल देखिए, पहला न्यूमेरिकल में इसका पहला जो क्वेश्चन है, 3.4×10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु के तक लाने में 1.7×10⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव बताइए। देखिए दिया क्या है, यहाँ पर आवेश का मान दिया है 3.4×10⁻⁷ कूलाम, और क्या दिया है, कार्य दिया है, W का वैल्यू दे रखा है 1.7×10⁵ जूल। कर अब विभव बताइए भी, आपको पता है विभव बराबर क्या होता है, W/Q होता है। भी बराबर W/Q, वैल्यू को अगर इसमें पुटअप किया जाए तो भी बराबर W का मान कितना दिया, 1.7×10⁵ बटा Q का मान 3.4×10⁻⁷, 17×2=34, तो भी बराबर मिल जाएगा, ऊपर जाएगा तो जाएगा 100/2 का, अर्थात भी का वैल्यू मिल गया 50 वोल्ट। भी का वैल्यू मिल गया 50 वोल्ट, विभवांतर कितना होगा 50 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। देखिए भाई, यहाँ पर एक पॉइंट पर भी ए का वैल्यू दे रखा है 2 वोल्ट, भी बी का वैल्यू दे रखा है 4 वोल्ट, और आवेश का वैल्यू दे रखा है 8 माइक्रोकूलाम। इस माइक्रोकूलाम को पहले हम क्या करेंगे, कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 8×10⁻⁶ कूलाम का। आपको चाहिए क्या, कितना कार्य करना पड़ेगा, W का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, पता है आपको W बराबर भी बराबर भी बी माइनस वी ए बराबर होगा W/Q का, अर्थात W बराबर हो जाएगा Q×VB-VA। Q का वैल्यू है 8×10⁻⁶ × VB का वैल्यू कितना है 4-2, तो 8×10⁻⁶ × 2 16×10⁻⁶ जूल, या हम इसको लिख सकते हैं 16 माइक्रो जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, वैद्युत विभवांतर VB-VA ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या दे रखा है, आवेश का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 कूलाम, 0.01 कूलाम, और W का मान दिया है 12 जूल, W का मान दिया है 12 जूल। आपसे विभवांतर पूछ रहा है, VB-VA पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, VB-VA=W/Q, VB-VA बराबर W का वैल्यू कितना दे रखा है 12×0.01। दशमलव को गायब करने के लिए हम अंश और हर दोनों में 100 का गुणा कर देंगे, तो यह मिल जाएगा आपको 1200 वोल्ट। VB-VA=2 कितना मिल गया, 1200 वोल्ट मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यहां पर भी विभवांतर का वैल्यू दे रखा है, भी का वैल्यू दे रखा है आपको 60 वोल्ट। विभवांतर का वैल्यू कितना दिया है 60 वोल्ट, और क्या दिया है, आवेश का वैल्यू दे रहा है, कितना आवेश ले जा रहे हैं 3×10⁵ कूलाम का आवेश ले जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य W आपसे पूछा जा रहा है। भी बराबर W/Q V से हिसाब से क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा Q V। वैल्यू को अगर हम पुटअप करें, Q का वैल्यू 3×10⁵ × 60,
छत्री अट्ठारह 180 गुणा 10 के पावर माइनस 5, या हम इसको लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10 के पावर माइनस 3 जूल का। दो अंक पर दशमलव लगाएंगे, 10 के पावर प्लस 2 बढ़ेगा और 10 के पावर प्लस 2 और 10 के पावर माइनस 5 मिलकर कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3। इस प्रकार से यहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा 1.8 गुणा 10 के पावर माइनस 3 जूल। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। विभवांतर का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 10 वोल्ट। किए गए कार्य की गणना कीजिए, W पूछ रहा है आपसे। आप W तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आवेश का वैल्यू नहीं पता होगा, और इसमें आवेश नहीं दिया हुआ है, लेकिन बात कर रहा है किसकी, अल्फा कण की। और अल्फा कण का आवेश कितना होता है, अल्फा कण का आवेश होता है क्यू अल्फा, अगर हम यहाँ पर लिखें 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। W पूछ रहा है तो W बराबर क्या हो जाएगा क्यू भी, क्यू भी, क्यू का वैल्यू 3.2 गुणा 10 के पावर माइनस 19 इंटू 10। तो इस हिसाब से आपको W का वैल्यू कितना मिल गया 3.2 गुणा 10 के पावर 10, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 19 है माइनस में, तो माइनस में 18 जूल, यह मिल गया आपको किए गए कार्य की। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ रहा है। वैद्युत क्षेत्र में 5 कूलाम के आवेश को जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं कितना काम करना पड़ा 25 जूल। तो आवेश का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 5 कूलाम, आवेश का वैल्यू कितना दिया है 5 कूलाम, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य डब्लू दिया है 25 जूल। कह रहा कि यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो, मान लीजिए यह दो बिंदु है, पहला बिंदु यह है दूसरा बिंदु यह है, यहाँ पर उत्पन्न विभव V1 है और यहाँ पर उत्पन्न विभव V2 है, जहाँ से हम ले जाते हैं वह उसका विभव कम होता है और जहाँ पर ले जाते हैं उसका विभव अधिक होता है, अर्थात हमेशा हम जब घटाते हैं तो जहाँ पर ले जाते हैं वहाँ से और जहाँ से ले जाते हैं उसको घटाया जाता है। तो कहाँ पर ले जा रहे हैं V2 पर ले जा रहे हैं, कहाँ से V1 से, अर्थात हमको V2 माइनस V1 क्या मिलेगा V2 माइनस V1। यहाँ पर V1 का वैल्यू दिया हुआ है, V1 का वैल्यू कितना दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया हुआ। तो इस हिसाब से आपसे फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q। V2 का वैल्यू आपको पता करना है, V1 का वैल्यू दिया है 10, W का वैल्यू हो गया आपका 25/5, 5 पंजे 25, V2 माइनस 10 बराबर 5 का, तो यहाँ से V2 बराबर कितना निकल जाएगा 15 वोल्ट, अर्थात दूसरे बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा 15 वोल्ट का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक सेमी त्रिज्या के गोले को एक कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की बात करनी है, आपको विभव बतलानी है। त्रिज्या दिया, गोले का त्रिज्या मतलब ये मान लीजिए गोला है और इसके पृष्ठ पर आवेश, या गोले के केंद्र पे आ गया आवेश है, तो इसके पृष्ठ पर विभव बतलानी है आपको। तो पृष्ठ पर इसके केंद्र से दूरी कितनी होगी, उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, अर्थात यहाँ पर आर का वैल्यू हम कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे तो 10⁻²⁰ मीटर हो जाएगा, ठीक है। आवेश का वैल्यू कितना दे रखा है 1 कूलाम का, 1 कूलाम का। कह रहा है विभव बताओ, विभव का फॉर्मूला आवेश और दूरी के पदों में हमने क्या बताया V बराबर 1/4πε₀Kq/r। तो क्या हो जाएगा यहाँ से V बराबर 1/4πε₀Q/r। इसका वैल्यू कितना था 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू कितना है 1 और 10⁻², ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 × 10⁻११ वोल्ट। विभव कितना मिल गया हमको 9 × 10⁻११ वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। देखिए यह दो आवेश, एक आवेश यहाँ पर है एक आवेश यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है टोटल 0.4 मीटर है। यहाँ पर भी प्लस 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है
और यहाँ पर भी प्लस 40 माइक्रोकूलम का आवेश है। देखो इस आवेश के कारण इसको अगर हम Q1 कर दें, इसको हम लोग Q2 कर दें, तो इस आवेश के कारण इस हमको कहाँ बताना है, मध्य बिंदु पर विभव। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पर O है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 और इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी 0.2। अब हमको फिर से आवेश पता चल गया और दूरी पता चल गई, तो हम विभव निकाल सकते हैं। बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव पहले Q1 के कारण, Q1 के कारण बिंदु O पर विभव निकालें, Q1 के कारण, Q1 के कारण बिंदु O पर विभव, देखिए Q1 के कारण अगर बिंदु O पर विभव निकालेंगे हमको निकलेगा V1, V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0k इंटू Q/R, अर्थात Q1/R, इसका वैल्यू होता है 1/4πε0, इसका वैल्यू होता है 9×10⁻⁹, और k का वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा 9×10⁻⁹ गुणे q का वैल्यू कितना दे रखा है 40 माइक्रो कूलाम। इसको हम लोग कूलाम में कन्वर्ट करेंगे और कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम, तो 10⁻⁶ का इसमें गुणा कर देंगे बटे r 0.2। देखिए दशमलव को गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में 10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमको V1 का वैल्यू निकल जाएगा 9×40×10⁻⁹, 9 में से 6 निकल जाएगा 3 बचेगा, और 10 और आ जाएगा, मतलब 10⁴ हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4×40, तो V1 का वैल्यू निकल गया 9×10⁵, 9×10⁵ वोल्ट, यह V1 का वैल्यू निकल गया आपको। अब देखिए भाई इसी प्रकार से यहाँ पर आवेश वही है जो यहाँ पर है, इसकी भी दूरी उतनी है जितनी दूरी इसकी है, अर्थात जितना वैल्यू V1 का निकला है उतना ही वैल्यू V2 का भी निकलेगा। इसी प्रकार से V2 बराबर भी आपको कितना मिल जाएगा 9×10⁵5 वोल्ट, 9×10⁵ वोल्ट आपको V2 मिल जाएगा। बिंदु O पर अगर हम परिणामी विभव निकालें, बिंदु O पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 + V2, कितना हो जाएगा 9×10⁵5 + 9×10⁵5, तो हो जाएगा 18×10⁵5, या हम इसको लिख सकते हैं 1.8×10⁶ वोल्ट। बिंदुओं पर अर्थात इसके मध्य बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा 1.8×10⁶ वोल्ट। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए इसका कारण, निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु ए पर है और -2 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु बी पर है, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। बिंदु ए और बी के मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है आपको। पहले हम लोग इतना सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम का आवेश है और यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश है, और इस पॉइंट सी पर, यह जो पॉइंट सी है इस पर आपको वैद्युत विभव की गणना करी। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी है तो यह दूरी कितनी होगी 0.5 मीटर की दूरी होगी, और यह भी दूरी कितनी होगी 0.5 मीटर की दूरी होगी। जब हमको आवेश पता है, दूरी पता है, तो हम विभव निकाल सकते हैं। बिंदु सी पर अगर हम +8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव निकालें V1, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 × Q कितना होगा 8 माइक्रोकूलम, इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो 8×10⁻⁶ बटे R, R का वैल्यू कितना होगा 0.5, तो यहाँ से V1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको 9×8×10⁻⁶⁫ का, अर्थात यहाँ से V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 8×9=72। ये 0.5 कब करेंगे 10 का ऊपर क्या करेंगे गुणा कर देंगे, पॉइंट गायब हो गया। अब यहाँ से 8×9=72 गुणा
दस के पावर दस छः चार बच जाएगा आपका। तो भी वन का वैल्यू यहाँ से मिल गया, पाँच एक कम पाँच, पाँच चौके बीस, पाँच चौके बीस, 14.4 गुणे दस के पावर पाँच, दस के पावर चार बोल्ट, यह भी वन का मान मिल गया। अब यहाँ पर देखिए आवेश माइनस दो माइक्रो कूलम है और यहाँ पर भी पूछ रहा है, मतलब सी पर क्या इस आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। भी टू जब यहाँ से निकाला जाएगा बिंदु सी पर ही माइनस दो, यह किसके कारण निकाले हैं, प्लस आठ माइक्रो कूलम के कारण निकाले हैं, यह माइनस दो माइक्रो कूलम के कारण निकालने जा रहे हैं। तो भी टू यहाँ से क्या निकलेगा, फॉर्मूला यही इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू डायरेक्ट रखना है, नौ गुणे दस के पावर नौ गुणे माइनस दो गुणे दस के पावर माइनस छः, माइक्रो कूलम में, कूलम में चेंज कर दिया 0.5। तो इस हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी टू का मान मिल जाएगा नौ गुणे दस के पावर नौ माइनस चिन्ह के साथ गुणे दो गुणे दस के पावर माइनस छः भागा 0.5 को 5 करेंगे, ऊपर 10 का गुणा कर देंगे। तो वी टू बराबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको माइनस नौ दुना अट्ठारह, अट्ठारह बटे पाँच गुणा दस के पावर चार का, तो यह वी टू मिल गया आपको माइनस पांतिया पंद्रह, पाँच छक तीस, 3.6 गुणे दस के पावर चार बोल्ट। अगर बिंदु सी पर हम परिणामी विभव निकालें, परिणामी विभव, परिणामी विभव कितना हो जाएगा, भी बराबर भी वन प्लस भी टू, भी वन का मान कितना है 14.4 गुणे दस के पावर चार, भी टू का मान है माइनस 3.6 गुणे दस के पावर चार, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 3 गया 0 और यहाँ बच गया 1, 10.8 गुणे 10 के पावर 4, या हम इसको लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 के पावर 5 बोल्ट। बिंदु सी पर परिणामी विभव हमको कितना मिल गया, 1.08 गुणे 10 के पावर 5 बोल्ट बिंदु सी पर विभव मिल गया। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु डी पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पर पॉइंट डी दिया हुआ है, यहाँ पर विभव की गणना करनी है जिसकी दूरी बिंदु ए से 0.80 है, 0.80 है और बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी है। तो इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बिंदु डी पर, बिंदु डी पर विभव किसके कारण निकालेंगे, प्लस आठ माइक्रो कूलम आवेश के कारण, प्लस आठ माइक्रो कूलम आवेश के कारण अगर यहाँ से हम निकालें भी वन तो हमको क्या मिलेगा, 1/4 πε₀ Q/R से। तो भी वन का वैल्यू हो जाएगा 1/4 πε₀ का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणा क्यू का वैल्यू कितना है 8 माइक्रो कूलम, तो 8 गुणे 10 के पावर माइनस 6 बटा 0.8। 10 को गायब करने के लिए 10 का गुणा कर देंगे तो भी वन बराबर मिल जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 10 के पावर 10 और 6 निकल गया 4 बच गया बटे 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, भी वन का मान मिल गया 9 गुणे 10 के पावर 4 बोल्ट का, यह भी वन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु डी पर ही माइनस दो माइक्रो कूलम आवेश के कारण विभव निकालेंगे। बिंदु डी पर ही, बिंदु डी पर विभव फिर से निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे, माइनस दो माइक्रो कूलम आवेश के कारण निकाला जाएगा। तो यहाँ से वी टू का मान मिल जाएगा आपको 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे क्यू का वैल्यू कितना रखोगे आप, माइनस दो गुणे 10 के पावर माइनस 6 भागा 0.2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 9 दो से दो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक 10 बच जाएगा 10, तो 9 गुणे 10 के पावर 4 बोल्ट आपको मिल गया वी टू का मान माइनस चिन्ह के साथ, वी टू मिल गया। अगर हम बिंदु डी पर विभव निकालें, परिणामी विभव, बिंदु डी पर परिणामी विभव, बिंदु डी पर परिणामी विभव, भी बराबर क्या हो जाएगा, भी वन प्लस भी टू। तो इस हिसाब से 9 गुणे 10 के पावर 4 बोल्ट दिया है भी वन का मान, और भी टू का मान कितना निकला है, माइनस 9 गुणे 10 के पावर
चार वोल्टर था, तो वी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिंदु डी पर जो विभव निकलेगा आपको, यह बिंदु डी पर विभव निकल गया आपको जीरो, और यह बिंदु सी पर विभव निकला 1.08 × 10⁵ वोल्ट। आगे कह रहा है इसमें 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक आवेश है जिसका वैल्यू है 0.20 माइक्रो कूलाम, उसको हम डी से सी तक ले जा रहे हैं, तो हम कहाँ से ले जा रहे हैं, डी से सी तक। तो हमको कार्य बताना है, डब्लू बताना। आप देखिए, आपको कार्य बताने के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास, आपको पता है वी डी का वैल्यू कितना है, जीरो। बिंदु डी पर विभवांतर कितना है, जीरो। और बिंदु सी पर जो विभवांतर है वह आपके पास है 1.08 × 10⁵। यह दिया हुआ है। और क्यू कितना दिया है, दो माइनस नहीं 0.2 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर देंगे हम लोग, कूलाम में चेंज हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं 2×10⁻⁷ कूलाम लिख सकते हैं। हमको चाहिए डब्लू, W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी सी माइनस वी डी। तो W बराबर Q का वैल्यू 2×10⁻⁷, C से D पर ले जा रहे हैं, नहीं D से C ले जा रहे हैं, तो इसलिए C को पहले लिखेंगे और D को बाद में लिखेंगे। तो वी सी, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 1.08 × 10⁵ माइनस जीरो। तो हो जाएगा आपके पास 2×10⁻⁷ × 1.08 × 10⁵ का, अर्थात W बराबर मिल जाएगा 2.16×10⁻²⁺ जूल का। तो 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश को D से C तक ले जाने में किया गया कार्य 2.16×10⁻²⁺ जूल होगा। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं यक्ष अक्ष पर बिंदु ए 0, a, 0 तथा -a, 0 पर स्थित हैं, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए और मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। और आपको सिद्ध करना है कि वाई अक्ष के किसी भी पॉइंट पर जो विभव होगा वह 1/4πε₀ × 2q/a² वाई स्क्वायर अंडर रूट में होगा। ठीक है, देखते हैं इसको, हम लोग इसको साफ कर देते हैं यहां से। देखिए यह अगर हम दिखा दें, यह हो गया आपको मूल बिंदु हो जाता है 0, 0, यह एक्स एक्सिस हो गया, यह एक्स डैश हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया, यह वाई डैश हो गया। 1, 0 मतलब एक्स अक्षिस पर ए जाना है और वाई अक्षिस पर जीरो जाना है। इधर वाला प्लस में जाता है और इधर वाला माइनस में जाता है, तो ए जाना है। तो मान लीजिए यहाँ से यह दूरी कितनी हो गई, ए हो गई, और जीरो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ मूल बिंदु के पास आ जाएगा। दूसरा दिखाना है -a, 0 माइनस इधर जाएगा, यह हो गया -a, 0 वाई एक्सिस पर कहाँ जाएंगे, जीरो तक। तो हो गई स्थिति, ये इसकी हमने दिखा दिया स्थिति, पहला तो जवाब आपको मिल गया, आपने दिखा दी। अब कह रहा है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर भी क्या आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है और प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण मूल बिंदु पर विभव निकालेंगे हम लोग। देखो भाई, दूरी यहाँ पर भी ए है और दूरी यहाँ पर भी ए, यहाँ पर माइनस है, दूरी माइनस नहीं है, सिर्फ ये बतलाने के लिए आया कि इसकी दिशा इस साइड से है, मूल बिंदु के बाई तरफ है। तो हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण मूल बिंदु पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण मूल बिंदु पर विभव, मूल बिंदु पर विभव। देखिए इसके कारण निकाल रहा हूं, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपको, V1 बराबर 1/4πε₀ × q/a, q/a मिल जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू क्या है, A दिया हुआ, तो A रख दिया हमने। अब हम इसके कारण भी निकालेंगे तब भी हमको इतना ही मिलेगा, प्लस q आवेश के कारण मूल बिंदु पर विभव, इस आवेश के कारण अगर निकालेंगे, इसी प्रकार से दूरी भी वही है, आवेश भी वही है, इसलिए V1 क्या होगा, V2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से
वी टू बराबर भी क्या मिल जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, बिंदु मूल बिंदु पर परिणामी विभव, मूल बिंदु पर परिणामी विभव, मूल बिंदु पर परिणामी विभव, देखिए मूल बिंदु पर परिणामी विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बराबर वी वन प्लस वी टू। तो यहां से वी का वैल्यू मिल जाएगा आपको वन अपॉन फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू क्यू बाई ए प्लस वन अपॉन फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू क्यू बाई ए। तो वी का वैल्यू मिल जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ सेलन नॉट इंटू टू क्यू बाई ए। बिंदु या मूल बिंदु पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू क्यू बाई ए। अब देखिए इसमें कह रहा सिद्ध कीजिए कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर, अब आपको यहां पर वाई अक्ष पर कोई बिंदु लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने वाई अक्ष पर यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसकी दूरी कितनी है, वाई अक्ष पर हमने मान लिया वाई दूरी है, तो यहां पर हमको विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, अर्थात हमको यह दूरी चाहिए। अगर हमको यह दूरी पता चल जाए तो हम इस आवेश के कारण इस पर विभव निकाल लेंगे। अगर इसका नामकरण कर दें पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसको नामकरण कर दें पॉइंट सी। तो बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु बी के कारण बिंदु सी पर विभव, ऐसे निकालेंगे हम लोग। तो इसकी दूरी हमको चाहिए, देखिए ये y दूरी है, यह a दूरी है, तो यह कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू करण का स्क्वायर। तो अब यहां से a के कारण c पर विभव, बिंदु a पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव, देखिए क्या हो जाएगा, वी वन बराबर आपको मिल जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, दूरी कितनी है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे, बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव। देखिए यह भी दूरी हमको चाहिए, यह भी दूरी कितनी हो जाएगी, यह y है यह a है, तो इसकी दूरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से अगर हम निकालेंगे v2 तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बिंदु c पर परिणामी विभव, बिंदु c पर परिणामी विभव, बिंदु सी पर परिणामी विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू, वैल्यू को पुटअप किया जाए इसमें तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू क्यू अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कि वाई अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।